स्त्री 2 का ट्रेलर आ चुका है, लेकिन क्या तुमने अक्षय कुमार और वरुण धवन एस भेड़िया इन दोनों को ट्रेलर में नोटिस किया? अब अगर तुमने ट्रेलर को ध्यान से देखा हो तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें दिखता है कि ये लोग स्त्री को ढूंढ रहे होते हैं इनकी रक्षा करने के लिए, मिलती का थोड़ी सच्ची मोहब्बत। और वहीं अगर तुम्हें भेड़िया मूवी की एंडिंग याद हो तो उधर विक्की और बिट्टू जाते हैं जना के पास स्त्री को ढूंढने के लिए। उसे तो ये ढूंढ सकता है, किसे? स्त्री। मतलब हमें स्त्री मूवी और भेड़िया मूवी की टाइमलाइन एक्यूरेट देखने को मिल जाएगी। इसीलिए अगर तुम विकिपीडिया पे चेक करोगे तो वरुण धवन का नाम तुम्हें इस मूवी के अंदर दिख जाएगा। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है ये बताते हुए कि स्त्री जा चुकी है और स्त्री के जाने से वो आएगा। स्त्री जा चुकी है, स्त्री के जाते ही वो आएगा। वो का मतलब है सरकटा आएगा। अब ट्रेलर की स्टार्टिंग में ये जो जगह दिखाई जाती है ये एक्चुअली में मूवी के क्लाइमेक्स की जगह है, क्योंकि ट्रेलर के इस फ्रेम में तुम इधर राजकुमार राव और श्रद्धा को नोटिस कर सकते हो। ये राजकुमार राव है, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इधर तुम इसकी ड्रेस को नोटिस कर सकते हो, जो कि हमने ट्रेलर के बीच में से पहनते हुए देखा था इस सीन में। अब लग रहे हो असली राजकुमार। अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, जो इस मूवी का विलन है सरकटा, वो एक्चुअली मुंडा सरकटा विलेज की स्टोरी है। और वही स्त्री मूवी की जो स्टोरी थी वो चंदेरी गांव की स्टोरी थी, लेकिन सरकटा हमें स्त्री मूवी से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा मेकर्स के द्वारा, जिस वजह से ट्रेलर में इधर लिखा आता है सरकटा इस बार चंदेरी में होगा। फिर एक सीन में सरकटे का सर एक लेडी के पास आता है। अब अगर तुम इस फ्रेम में ध्यान दोगे तो पीछे कुछ पेंटिंग्स को नोटिस कर सकते हो, जिसमें इधर तुम्हें एक घोड़ा दिख जाएगा और इधर सरकटा हुआ दिख जाएगा। अब अगर तुमने सरकटे की स्टोरी सुनी होगी तो उसमें घोड़ा भी होता है जिस पर चलकर सरकटा आया करता था। तो ये जो पेंटिंग दिखाई गई है वो एक्चुअली रेफरेंस दिया गया सरकटे का ही। इधर दिखता है ये सरकटा इस लड़की को ले जाता है अपने साथ, और वो सिर्फ इसे ही नहीं कई सारी औरतें कई सारी लेडीज को ले जा चुका था, जो कि हमें इस सीन में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सरकटे की कैद में कई सारी लड़कियां होती हैं। और अगर तुम इनके सर को नोटिस करोगे तो इनके सर को एकदम क्लीन शेव कर दिया गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा इस मूवी का जो ह्यूमर है और सीरियसनेस है इन दोनों का जो ब्लेंड करके हमें दिखाया जाएगा ना भाई, बिल्कुल मजा आ जाता है इसे देख के। सरकटे का सर कटा हुआ है, वाह, कबीर सिंह सूखा वर्जिन। फिर हमें श्रद्धा कपूर की एंट्री दिखाई जाती है, जिसकी एंट्री हमें दिखाई जाती है इस स्टैचू के पास, जो कि स्टैचू होती है स्त्री की, जिसे ऑलरेडी हमने स्त्री के टीजर में देख लिया था। अब एक सीन में हमें सरकटे का जब सर दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो कि एकदम एक्यूरेट होता है उसकी हाइट के हिसाब से, क्योंकि इस सीन में जब विक्की उसकी हाइट की डिटेलिंग दे रहा होता है, पता कितना बड़ा है वो, जब बच्चन के ऊपर आमिर खान लगा लो तो भी कमर तक ही आएंगे उसके, तो बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है उसके सर के हिसाब से। फिर इधर लेडीज इस सीन में विक्की से मदद मांगने के लिए आती है, तो विक्की इधर कई सारे एक्सक्यूज देता है उन्हें मदद ना करने के लिए, लेकिन इधर तुम इसकी टी शर्ट पर ध्यान से देखोगे तो इधर लिखा हुआ है नो एक्सक्यूज, जो कि काफी तगड़ा सिनेमेटिक मेटाफर मारा गया डायरेक्टर के द्वारा। फिर एक सीन में विक्की कहता है उसने हमारे चंदेरी के सब मर्दों की सोच बदल दी है, उसने हमारे चंदेरी के सब मर्दों की सोच बदल दी है, जिसके बाद हम इस सीन में देख सकते हैं कि इन सबकी आंखों का कलर चेंज हो चुका है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सरकटे के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। अब इधर इस फ्रेम में लिखा होता है ओ स्त्री रक्षा करना, जिसे ये आदमी पेंट के द्वारा मिटा रहा है, क्योंकि इधर अब उल्टा हो चुका है कि स्त्री की रक्षा किसी और को करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकटा सारी स्त्रियों को लेकर जा रहा था। फिर एक सीन में लिखा आता है फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ स्त्री भेड़िया एंड मुंजया। अब अगर तुमने इधर ध्यान से सुना हो ध्यान से देखा हो तो जब जिस मूवी का नाम आता है उसके बैकग्राउंड में उसका थीम सुनाई देता है। अब इधर श्रद्धा कपूर हमें कई बार अपनी चोटी के साथ दिखती है पावर यूज करते हुए। अब स्त्री पार्ट वन की एंडिंग अगर तुम्हें याद हो तो उसमें श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी ले जाती है और उसको अपनी चोटी में लगा देती है, जिसके बाद उसके पास कई सारी पावर्स आ जाती हैं, जिन पावर्स को यूज करते हुए वो अब हमें स्त्री 2 में दिखाई देगी। फिर इधर इस सीन में विक्की एक ड्रेस पहनकर आता है, जिसको देख के अपने पंकज त्रिपाठी कहते हैं अब लग रहे हो असली राजकुमार। अब लग रहे हो असली राजकुमार, जो कि मैं तुम्हें बता दूं एक सटायर मारा गया राजकुमार राव के ऊपर, क्योंकि इस मूवी का जो कैरेक्टर है विक्की उसका रियल नेम राजकुमार राव है। अब इस सब इधर सोचने वाली बात यह है कि विक्की ने ये वाली ड्रेस ही क्यों पहनी? तो जो सरकटे की स्टोरी है वो काफी पुरानी और राजाओं के टाइम की स्टोरी है, तो या तो सरकटे को डर लगता होगा किसी राजा से, या फिर उसकी शक्तियों को कम करने के लिए या फिर उसे डराने के लिए ऐसी कॉस्ट्यूम पहनी जा रही है, क्योंकि ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट हमने भूल भुलैया की एंडिंग में देखा था, जब मौंजलिका की आत्मा को विद्या बालन के अंदर से निकाला जाता है, उसे भी ऐसी पागल बनाया जाता है ऐसी राजा महाराजाओं की थीम बनाकर। तो ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट शायद हमें इस मूवी के क्लाइमेक्स में भी देखने को मिल जाएगा, इसीलिए इधर राजकुमार राव ने ऐसी ड्रेस पहनी है। फिर इधर एक सीन में विक्की के अंदर पावर्स आती हुई भी दिखती हैं, जो कि शायद स्त्री की पावर्स हो सकती हैं। फिर इधर एक सीन में हमें तमन्ना भाटिया का कैमियो देखने को मिल जाएगा डांसर के रूप में। स्त्री के पार्ट वन में हमें डांस देखने को मिला था नौरा फतेही का, अब स्त्री के पार्ट टू में तमन्ना भाटिया के कैमियो देखने को मिलेगा डांस के रूप में। इसके अलावा 2 कैमियो और हैं इस मूवी के अंदर, एक है अक्षय कुमार और एक है वरुण धवन का एस भेड़िया। इसकी कंफर्मेशन तो हमें विकिपीडिया की कास्ट में देखने को मिल जाएगी। अब वैसे तो हम सबको पता है कि भेड़िया स्त्री से ऑलरेडी कनेक्टेड है, लेकिन अक्षय कुमार हमें किस रूप में देखने को मिलेंगे? काफी लोग कह रहे हैं कि अक्षय कुमार इसमें विलन होने वाले हैं, मतलब जो
सरकटा में देखने को मिला था वो अक्षय कुमार ही है, जो कि मुझे फील होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकटे के फेस में और अक्षय कुमार के फेस में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन शायद ये हो सकता है जो हमें सरकटे की बैक स्टोरी दिखाई जाए जब हमें अक्षय कुमार देखने को मिल जाएगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। फिर एक सीन आता है जिसमें श्रद्धा कपूर विक्की की उंगली खा जाती है। अब मुझे ऐसा लगता है विक्की कोई सपना देख रहा होगा जिसमें वो स्त्री बनकर उसकी उंगली खा गई है, जिससे वो डर गया होगा काफी ज्यादा, क्योंकि अगर रियलिटी में खाती तो उसकी उंगली हमें देखने को नहीं मिलती पूरी मूवी में आगे चल के। इसके बाद जो श्रद्धा और सरकटे का फेस ऑफ सीन है भाई काफी ज्यादा तगड़ा लगता है देखने। अब इधर इस सीन में मुझे लगता है सरकटा अपने बालों से श्रद्धा पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा, जैसे उसने ट्रेलर की स्टार्टिंग में इस लेडी पर किया था। लेकिन श्रद्धा के पास तो स्त्री की चोटी थी जिसमें कई सारी पावर्स थी, जिस वजह से सरकटा स्त्री को कंट्रोल नहीं कर पाया होगा। फिर एक फ्रेम में हमें स्त्री भी देखने को मिल जाती है, मतलब श्रद्धा और विक्की के अलावा भी स्त्री मदद करने जरूर आएगी। इसके बाद एक सीन में जना को सरकटा काट लेता है उसके पिछवाड़े पर, जो कि क्लियरली रेफरेंस दिया गया भेड़िया मूवी का, क्योंकि भेड़िया मूवी के अंदर भी वरुण धवन को भेड़िया काट लेता है उसके पिछवाड़े पर। तो ये काफी अच्छी अटेंशन टू डिटेल लगी मुझे डायरेक्टर की तरफ से। बाकी जैसा मैंने बताया इस मूवी की जो कॉमेडी और सीरियसनेस दोनों को मिक्स करके हमें दिखाया जाता है ना भाई, मजा ही आ जाता है। वैसे मूवी के अंदर अक्षय कुमार होने वाले हैं तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन उनका रोल क्या रहेगा ये किसी को कंफर्म नहीं हुआ है। तुम्हें क्या लगता है अक्षय कुमार किस चीज का रोल करेंगे कमेंट में जरूर बता के जाना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना भाई, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। ऐसी ब्रेकडाउन थ्योरीज और हिडन डिटेल्स वाली वीडियोस देखने में मजा आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, टाटा बाय बाय।